बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपके घर वाले भी ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। आज मैं बनाने लगी तरबूज के, ये जो वाइट वाले छिलके होते हैं ना, इनकी टूटी फूटी बनाने लगी हूँ। क्योंकि हम लोग जो बाहर रहते हैं ना, हमें ये वाली चीज़ें यहाँ से मिलना बहुत मुश्किल है। इस वजह से इनको घर पर बना के बंदा सेव कर ले, एक साल तक ये सेव हो सकती है। और ये वाले जो ग्रीन छिलके हैं, ये उतार के इनको छोटे छोटे क्यूब में काट के ना फिर इनको बनाएंगे हम लोग। मैं आपको बताती हूँ पहले इस तरह इन सब इनके छिलके उतार लेने। ओके, इतने छोटे छोटे पीस काट लेने हम इस तरह क्यूब की शक्ल में। ये सारे छिलके ऐसे कर लेने, फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ। तो ये देखिए पानी उबलने लग गया और ये भी मैंने क्यूब में काट दिया। अब इनको मैं उबालूंगी, जब तक इनका कलर चेंज होगा तब तक इनको उबालूंगी। इनका कलर चेंज करना है, जैसे मतलब कि ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं ऐसे इनको करना है। इनको उबालने 10-15 मिनट पकाना है, फिर उसके बाद छान लेना है पानी से। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब ये ट्रांसपेरेंट हो गए, अब मैं इनको छान लूँगी, अच्छे तरीके से छान लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर क्या करना है। अब मैं हीट बंद कर देती हूँ। अब ये मैं इसमें 1 कप चीनी डालूंगी। ये देखिए 1 कप चीनी और इसमें 2 कप पानी डालूंगी। 2 कप से ज़्यादा पानी नहीं डालना हमें। और इसको मैं मेल्ट करूंगी अब अच्छे तरीके से। मेल्ट करके फिर ये मैं जो मैंने ये बनाई है तरबूज के छिलकों का, फिर वो मैं ऐड कर दूंगी। ये देखिए मेरी चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई है। अब मैं इसके अंदर ये डालूंगी और इनको अच्छे से पकाऊंगी। इनको पूरे 30 मिनट में पकाऊंगी ताकि अच्छे से चीनी अब्जॉर्ब हो जाए इसमें। अरे एक बार आने आएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ, फिर उसके बाद इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी। ये देखें उबाल आ रहा है ना, अब इसको मैं पकाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जब ये तैयार हो जाएगा ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर क्या करना है, कैसे होगा तो तैयार होगा। अब ये देखिए आपकी जो हम लोग चीज़ फेंक देते हैं, उससे हम इतनी अच्छी चीज़ बना रहे हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इससे ये चीज़ भी बन सकती है। ये देखिए अब बिल्कुल रेडी हो गया। मैं इनके अंदर हीट बंद करूँगी, हीट बंद कर दूँगी इनकी, और इनको कटोरी में निकालूंगी। इनके अंदर हमें गर्म गर्म के अंदर ही हमें वो कलर जो है ना डालना है। ये देखिए इसके अंदर मैं ग्रीन कलर डालूँगी और इसके अंदर है ये जर्दा कलर, और कलर थोड़े डार्क या करेंगे, जब ये खुशक होंगे तो ये लाइट कलर हो जाएगा। ये देखिए मैंने कलर डाल दिया, अब इनको पूरी रात के लिए मैं रखूंगी। ये देखें पूरी रात के लिए रखूंगी, इनको ढक के मैं रख दूंगी और फिर उसके बाद सुबह मैं इनको दिखाऊंगी आप लोगों को। ये देखें ये वाला ही कलर है, ऑरेंज कलर है। हम मिलते हैं सुबह को। ये देखें ये पूरी रात पड़ी रही है, अब ये देखें कितनी अच्छी हो गई है। ये देखें जितना इन्होंने कलर लेना था ले लिया। अब मैं इनको एक टोकरी में, इस टोकरी में इनको रखूँगी ताकि ये सूखने तक इनका इंतज़ार करेंगे, फिर इनको बताऊँगी कैसे सेव करनी है। मेरे पास दूसरी टोकरी नहीं थी, ये टोकरी थी, तो इसलिए मैं इसके अंदर ही कर रही हूँ। ये देखिए मैंने इनको ऐसे रख दिया पूरी, इनको सूखने तक इनका इंतज़ार करेंगे और मैं इनको ढक के रख दूँगी। फिर जब सूख जाएंगी ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इनको कैसे सेव करना है और 1 साल तक हम इनको रख सकते हैं। आप जिसमें चाय डालें, जैसे आइसक्रीम में डालें, आप जर्दे में डालें और भी जिस चीज़ में डलती है। ये देखें दोस्तों देखिए कितनी अच्छी बन गई है, ये बिल्कुल रेडी है। अब आप इसे सेव कर सकते हैं 4 महीने तक, बल्कि आप 1 साल तक अगर आप किसी मतलब के ऐसे जार में रखें जिसमें हवा ना जाए तो ये 1 साल तक रखी जा सकती है, या आप ऊपर फ्रीज भी कर सकते हैं। ये जमेगी नहीं, बस ये इनमें कूलिंग थोड़ी सी होगी। लेकिन ये देखें ये मैंने 3 कलर की बनाई है। आप इसमें जर्दे में डालें,
आइसक्रीम में डालें, केक में डालें, जिसमें चाहे डालें। अब देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेडी हो गई। आप लोग भी ट्राई करें, बहुत अच्छी ये चीज़ है। हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग भी ट्राई करें इसे, इंशाल्लाह आप भी अच्छी बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।